रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहने वाला है। मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे अल्लाह ने इतने प्यारे जानवर दिए कुर्बानी के लिए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हर मुसलमान को कुर्बानियाँ करने की तौफीक दे और जो कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको कबूल करे। अल्लाह से दुआ है ये जो कुर्बानी है, मेरा ये मैसेज है, पैगाम है अपने उन हजरात दोस्तों से, भाइयों से, कि जो भी आपके पास डेली वेजेज वाले मजदूर तबका लोग हैं, गरीब आदमी हैं, कोशिश करें कि सुबह जल्द कुर्बानियाँ करके और जल्द कुर्बानियाँ करके और जो भी ये गोश्त है गरीबों में तकसीम करें ताकि वो भी ईद उल अज़हा हमारे साथ मना सकें। ये मकसद इसका यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह पे गोश्त कुर्बान करें, जो कुर्बान कर रहे हैं करें। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को कुर्बानी करने की तौफीक दे, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह पाक ये सिलसिले इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक मेरा अल्लाह पाक ने चलाई रखे, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी काम हम अपने अल्लाह की रजा के लिए करते हैं अल्लाह पाक हमसे राज़ी होता है। तो मैं ये एक मैसेज देता हूँ सब दोस्तों को, सब भाइयों को, कि बस जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने ख्याल किया है अपने मज़दूर तबका लोगों का, मज़दूरों का, इस तरह अब भी जो भी आपके हमसाए हैं, साथी हैं, उनका ख्याल करें, नज़र रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके घरों में गोश्त रवाना करें ताकि ये ईद जो है अपने बच्चों के साथ हमारे साथ खुशी से मना सकें। अल्लाह हाफिज़।